उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री शशि रंजन की अध्यक्षता में यूनिफाइड कमांड समिति विशेष केंद्रीय सहायता की जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 9 फरवरी 2021 को समरणालय स्थित उपायुक्त के कार्यालय वेशम में संपन्न हुआ। बैठक में आम जनों के हित व आवश्यक के मद्देनजर विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा की गई। साथ ही विशेष केंद्रीय सहायता योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रस्तावित योजनाओं के चयन एवं अनुमोदन पर परिचर्चा की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि पलामू जिला में विशेष केंद्रीय सहायता योजना से चयनित स्थलों पर बनाए गए 9 समेकित विकास केंद्र भवन का जन कल्याणकारी कार्यों के लिए उपयोग करें। उन्होंने कहा कि समेकित विकास केंद्र भवन में आसपास के ग्रामीणों को स्वास्थ्य बैंकिंग आधार पीडीएस आदि की सुविधा हेतु कैंप का आयोजन निरंतर रूप से करें। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सुदूर क्षेत्रों में चल रहे विद्यालय भवनों में विद्युतीकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक में जिले के बॉर्डर एरिया के विकास के लिए भी कार्य योजना बनाकर कार्य शुरू करने का निर्णय लिया गया। साथ ही सभी सुदूर क्षेत्रों में जर्जर सड़क के निर्माण हेतु निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कोविड-19 वैक्सीनेशन से संबंधित जानकारी ली। मौके पर मौजूद स्वास्थ्य डीपीएम श्री दीपक कुमार ने बताया कि अब तक 6,459 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा चुका है। वहीं 1,252 फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। इस बैठक में उपायुक्त श्री शशि रंजन सहित सीआरपीएफ के सेकंड इन कमांड श्री राजीव कुमार झा, जिला वन पदाधिकारी श्री राहुल कुमार, उप विकास आयुक्त श्री शेखर चमुआर, जिला योजना पदाधिकारी शाहिद अहमद सहित यूनिफाइड कमांड समिति के सदस्य पदाधिकारी उपस्थित थे। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।